फ्रेंड्स अगेन। सो आज हम यूजिंग ट्रुथ टेबल जो स्टेटमेंट पैटर्न हमें दिए हुए हैं उनका हमें टॉटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन, तो मैंने दोबारा लिखा हुआ है टॉटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी का हमें पता करना है। क्लियर हो गया? अगर टॉटोलॉजी होता है तो हम उसको स्मॉल टी से भी डिनोट कर सकते हैं और कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो स्मॉल सी से डिनोट कर सकते हैं। कॉन्टिजेंसी अगर होगा तो हम वैसे के वैसे कॉन्टिजेंसी ही लिखेंगे। अब इसको करने के लिए हमें ट्रुथ टेबल जैसे बनाना पड़ेगा, तो ट्रुथ टेबल के लिए फिर से हमें याद रखना है कि रोज और कॉलम कैसे हैं। तो पहले मैं फर्स्ट का बनाता हूं, ठीक है? तो फर्स्ट में हमारे पास कितने स्टेटमेंट लेटर्स यूज हुए हैं? टू। तो हमारे कितने रोज बनेंगे? फोर बनेंगे, करेक्ट? सो मैं पहले पी एंड क्यू के लिए बना लेता हूं, पी एंड क्यू। सो ये अगेन मेरे को वही याद है, मैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी जो कॉलम जो हमें और बनाने, इसमें क्या क्या होगा, अभी कनेक्टिव यूज कर रहे हैं, वन टू थ्री फोर, फोर कनेक्टिव। सो फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स कॉलम में हमें इनको कवर करना है। तो अभी क्या करना है, ये वाला पार्ट से पहले निगेशन क्यू लेना है। सो यहां पर निगेशन क्यू लिया, फिर ये पूरा लिखा, सो पी कंजंक्शन निगेशन क्यू लिखेंगे, तो थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, सो मैं हल्का सा थोड़ा सा स्क्वीज कर देता हूं, ठीक है? या फिर नीचे लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां लिख लेते हैं ना। सो फर्स्ट पी हो गया, नेक्स्ट क्यू हो गया, नेक्स्ट निगेशन क्यू हो गया, फिर हमारे पास P कंजंक्शन निगेशन Q हो गया, वन टू थ्री फोर, ठीक है? और उसके बाद P कंडीशनल Q लिखना है, P कंडीशनल Q लिखना है, और लास्ट में हमें क्या लिखना है, ये दोनों लिखने हैं। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सो ठीक है, करेक्ट ना? वन टू थ्री फोर प्लस टू सिक्स हो गए। तो ये वाला हमें लास्ट में लिखना है, ये वाला क्या लिख सकते हैं, P कंजंक्शन निगेशन Q एंड बाय कंडीशनल पी कंडीशनल क्यू। अब मैं थोड़ा इनको सेपरेट कर देता हूं, ये 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 और ये हमारा लास्ट, ठीक है? सो हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया। अभी हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा इसमें आता है। तो चेक कैसे करना है, जो भी हमारा लास्ट एंट्रीज है उसमें हमें देखना पड़ता है। क्या आइडिया होगा मैं भी आपको बताता हूं। पहले मुझे ये लिखना है, क्योंकि हमारे पास तीन है, दो ही है, तो हमें कितने करने, फोर रोज। तो फोर रोज में क्या करेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, करेक्ट? सो यहां पर क्या करना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये तो आपको याद हो गया अभी तक, यस। अभी नेगेशन क्यों में इसको फॉल्स लिखना है, इसको ट्रू, इसको फॉल्स और इसको ट्रू। अब आपको पी कंजंक्शन निगेशन क्यू करना है, तो निगेशन क्यू को तो भूल जाए, हमें इन दोनों को लेना है, तो कोई भी कंजंक्शन में एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया और ये फॉल्स हो गया, करेक्ट? अब करते हैं पी कंडीशनल क्यू। तो कंडीशनल में आपको ध्यान रखना है, हमेशा दो सिमिलर इनपुट के लिए आंसर सेम होगा, तो पी कंडीशनल क्यू, तो ये है, तो ट्रू ट्रू के लिए ट्रू हो गया, और कोई है फॉल्स फॉल्स के लिए भी ट्रू हो गया, बाकी के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, क्यू क्यू में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एज इट इज यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाता है, डन। अब क्या रह गया, लास्ट हमारा रह गया और वही हमारा रिजल्ट देगा। तो इसमें क्या है, कौन कौन से कॉलम, ये और ये, इन दोनों के बीच में बाय कंडीशनल करना है। तो बाय कंडीशनल में भी क्या होता है, दो सिमिलर इनपुट के लिए पहले हमें ट्रू लिखना है, तो दो सिमिलर इनपुट ढूंढते हैं, कहीं पर भी नहीं है, क्लियर हो गया, कहीं पर भी नहीं है। सो दो सिमिलर इनपुट नहीं, आप देख सकते हैं इन दोनों में, क्लियर हो गया? तो हमें लास्ट में क्या करना है, बाय कंडीशन में अगर दो डिसिमिलर इनपुट होंगे, यानी अनलाइक इनपुट होंगे, तो हमारा हमेशा फॉल्स ही आएगा, तो ये हमारा फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अभी क्योंकि लास्ट एंट्रीज में सभी एंट्रीज, लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज फॉल्स है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे, क्लियर हो गया बच्चों? अभी हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं। आई रिपीट, लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज फॉल्स होंगी तो हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे, क्लियर? अभी ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या आता है। ऐसे मैंने कोशिश किया कि तीनों का एक एक एग्जाम्पल होगा, तो ये फर्स्ट हमारा कवर हो जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको कॉलम को ऐसे ही रहने दिया जाए ताकि मैं इसका यूटिलाइज कर लूं। सो यहां पर हम पहले रोज एंड कॉलम करें, ठीक है? तो हम देखते हैं,
सबसे पहले आपको देखना है इसमें कितने कंपाउंडेड स्टेटमेंट यूज है, 3। सो मुझे एक और इसमें, सो बेटर होगा मैं एक और इस साइड अटैच कर देता हूं ना, यहां पर ये एक हो गया और एक और मैं यहां पर लिख देता हूं। सो पी क्यू आर, ये हमारा पी क्यू आर हमने लिखा। नंबर ऑफ रोज क्या हो गए तो मैं अभी लिख लेता हूं। नंबर ऑफ रोज कैसे निकालेंगे, 2 raised to the power 3, क्यू 3, क्योंकि हमारे पास 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट लेटर्स है। सो हमारा क्या होगा, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, फिर नेक्स्ट टी ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, इसके बाद नेक्स्ट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। अच्छा अभी कॉलम के लिए मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट लेटर्स हम देखेंगे। तो लेटर्स हमने ऑलरेडी देख लिया कि 1, 2, 3 ही यूज हुआ है। इसके बाद कनेक्टिव्स का देखना है, कनेक्टिव्स में क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 + 3 8 हो गया, तो मेरे लिए अच्छा हो गया यहां पर टोटल 8 करने के लिए। इससे नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, पी डिसजंक्शन क्यू, तो यहां पर पी डिसजंक्शन क्यू लिख लेते हैं। उसके बाद ये पूरा लिखना पड़ेगा, सो पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर लिखते हैं। उसके बाद इसकी बारी आती है, इसमें क्या करना है, पहले क्यू डिसजंक्शन आर लिखते हैं, क्यू डिसजंक्शन आर, उसके बाद ये पूरा लिखना है। ये पूरे के लिए क्या करेंगे, पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर। अभी लास्ट एंट्रीज में मैं लिख नहीं रहा हूं, बट आप ये समझ लीजिए मेरा लास्ट एंट्री पूरा ये लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा इसको बेनिफिट उठाता हूं, मैं इसको यहां पर ऐसे कर देता हूं, क्लियर है। अब ये टोटल आपको काउंट करना नहीं बोलना है, 1, 2 फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, टोटल 8 होंगे। अभी हम थोड़ा, क्योंकि हमें इसका अभी आइडिया लग गया है, डिसजंक्शन मतलब कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू होगा, तो यहां पर इन दोनों में ये ट्रू हो जाएगा, ये भी 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 ट्रू हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स, जब तक दोनों इनपुट फॉल्स होंगे तब तक फॉल्स नहीं होगा। अब इसकी बारी आती है, किस किसके बीच में करना है, इसके और इसके बीच में करना है, क्लियर हो गया। तो दोनों ट्रू है तो ये भी डिसजंक्शन है, तो कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू होगा, ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और इसमें एक और ट्रू होने के बाद लास्ट हमारा फॉल्स आता है, कौन सा, ये वाला, क्लियर हो गया, फॉल्स। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डन। अभी क्यू डिसजंक्शन आ, क्योंकि हम इसमें डिसजंक्शन का ही यूज हो रहा है, तो हमें लेकिन अभी इसको क्यू के हिसाब करना है, तो क्यू हमारा ये है, तो इसमें भी हम देखेंगे ट्रू 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 हो गया, फिर ट्रू फॉल्स, क्योंकि एक ट्रू है, इसमें भी एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, और इसमें दोनों फॉल्स है तो हमारा यहाँ फॉल्स आ जाएगा, और ट्रू फॉल्स है तो ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू हो गया, और फॉल्स फॉल्स है तो, है ना, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो एक मिस हो गया, दोबारा करना पड़ेगा, ट्रू 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 लिखा हमने, ट्रू फॉल्स भी ट्रू लिखा है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू लिखा है, फॉल्स 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 लिखा है, ट्रू 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 लिखा है, ट्रू फॉल्स ट्रू लिखा है, तो इसको हम थोड़ा सा टॉप साइड में लिख लेते हैं। और अब ये दोनों फॉल्स ट्रू का ट्रू होगा, लेकिन लास्ट वाला हमारा फॉल्स ही होगा, तो ये भी हमारा कॉलम एंट्री से फिलअप हो गया, टोटल 8 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी इसकी बारी आती है, क्या लिखा है, पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर, कौन कौन से कॉलम में लेना है, पी एंड दिस। सो ट्रू ट्रू ट्रू, तो पहला वाला मैं ट्रू लिख लेता हूं, फिर ट्रू एंड वापिस ट्रू हो गया, क्लियर हो गया, और उसके बाद ट्रू एंड फिर से ट्रू है, ट्रू एंड फॉल्स, सो ट्रू होगा, फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू होगा, फिर फॉल्स एंड, एक बार और चेक करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट का हम देख लेते हैं, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स तो फॉल्स ही रहेगा, है ना, और फॉल्स और ट्रू ट्रू रहेगा, और ये थर्ड और ये थर्ड लास्ट, ये भी ट्रू रहेगा, और इसका अपने पास ट्रू है, इसका भी ट्रू है, इसका भी ट्रू है, इसका भी ट्रू, करेक्ट, ये हो गया। अब लास्ट एंट्रीज आपको किस किस में करनी है, ये वाले कॉलम में और ये वाले कॉलम में, ये पूरा कॉलम और ये पूरा। सो अभी देखना है, अभी ये एक्चुअली आई बॉल्स का रोटेशन, इसमें काम आता है, ध्यान रखना, ट्रू 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 लिखना है, ट्रू एंड ट्रू ये भी ट्रू लिखना है, ट्रू एंड ट्रू ये भी ट्रू लिखना है,
ट्रू एंड ट्रू ये भी ट्रू लिखना है, ट्रू एंड ट्रू ये भी ट्रू लिखना है, ट्रू एंड, अब इसमें ध्यान देना बाय कंडीशनल है, बाय कंडीशनल में दो सिमिलर इनपुट के लिए हमेशा ट्रू होता है। तो अभी तक हमने 1 2 3 4 5 के बना लिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और हो गया। अब इसका इसका भी 5 है, तो ये हमारा ये इससे मैच कर रहा ना, नहीं इससे मैच कर रहा, कौन सा 5 है, 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर ट्रू है तो हो गया, 6 भी यहाँ ट्रू है, 1 2 3 4 5 6 ये भी ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। सेवंथ कौन सा है, ट्रू ट्रू ये भी ट्रू, और लास्ट वाला आप देखेंगे दो सिमिलर इनपुट है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अभी इसमें आप देखेंगे सिंस ये ध्यान रखना ये मैंने लिखा नहीं है, पर ये एंट्र, ये पूरा अपना जितना स्टेटमेंट पैटर्न है वो यहां पर लिखना है और फिर आंसर में क्या लिखना है, सिंस इन लास्ट कॉलम ऑल द एंट्रीज आर ट्रू, आई रिपीट ऑल द एंट्रीज आर ट्रू, सो दिस इज अ टॉटोलॉजी। क्लियर हो गया। अब थर्ड एग्जांपल, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा, कॉन्टिजेंसी होगा, पर हम देख लेते हैं उसको। तो अब इसको मैं रेज कर देता हूं। सो हमने यहां पर अभी टॉटोलॉजी और कॉन्टिजेंसी का, टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन का हमने एग्जांपल कवर अप किया। अभी लास्ट एग्जांपल जो है, वापिस हमें इसमें ट्रुथ टेबल यूज करना है। ट्रुथ टेबल में हमें क्या करना है, पी एंड क्यू दो कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो मैं यहां पर बना लेता हूं पी एंड क्यू, करेक्ट, पी एंड क्यू क्या होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, करेक्ट। अभी कितने कनेक्टिव है, 1 2 3 क्लियर, 1 2 3 पर एक चीज ध्यान दिया, यहां पर आर भी है, तो यानी हमारे पास कितने बनेंगे रोज, 8 बनेंगे। सो मेरे को थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो आगे बढ़ाने के लिए मुझे फिर यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा पी क्यू आर। सो अगेन क्या लिखना है, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, ओके क्या, फिर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, देयर आफ्टर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी हमारे तीन अपने कंप्लीट कर लिए, लेकिन 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 8 8 बनाने, तो देखते हैं आप इसमें अकोमोडेट होता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखना है, ओके हम तो ये करेंगे, सॉरी तो उसमें शिफ्ट हो गए थे, इसमें कितने करने करेंगे, 3 4 5 और 6 करेंगे, 3 हमने ऑलरेडी बनाए, तो अभी हमें ये कवर अप करना है, पी कंजंक्शन क्यू लिखेंगे, ट्रक फिर ये लिखना है पी कंजंक्शन आर लिखना है, और लास्ट में ये फुल लिखना है, तो अभी मेरे पास स्पेस है, यहां लिख देता हूं पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन आर, क्लियर हो गया। पर यहां पर 8 रोज बनेगी, ये ध्यान रखना, हमारा पूरा स्ट्रेस लास्ट एंट्रीज पे होगा और वही हमारा रिजल्ट डिसाइड करेगा, करेक्ट, ओके। अभी हमें पी कंजंक्शन क्यू करना है, पी कंजंक्शन क्यू में कोई भी एक फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये ट्रू ट्रू दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो जाएगा, 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 ये भी फॉल्स हो जाएगा। वापिस अब इसकी बारी आती है किसकी, पी एंड आर की, पी कंजंक्शन आर, पी कंजंक्शन आर में ये भी ट्रू रहेगा, ट्रू फॉल्स ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, है ना, फिर ये भी फॉल्स रहेगा और फॉल्स ये भी रहेगा और लास्ट वाला भी फॉल्स रहेगा। अब किसमें हमें करना है, डिसजंक्शन करना है, ध्यान रखना अब इन दोनों में डिसजंक्शन करना है, और डिसजंक्शन में एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाता है, ये दोनों ट्रू है, सो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, बट यहां पर फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स आ जाएगा, और यहां पर ध्यान देना डिसजंक्शन था ना, ये तो फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स आ गया और ये भी फॉल्स आ गया। यहां पर अभी हमारा क्या, हमें लास्ट कॉलम में क्या एंट्री मिलती है कि इसमें दोनों का मिक्सअप है, यानी टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन दोनों का मिक्सअप है, तो हमारा इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, कॉन्टिंजेंसी। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में एक और छोटा टॉपिक लेते हैं। यस, हेलो स्टूडेंट्स अगेन। सो अभी हमने जो इससे पहले कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्राडिक्शन और टॉटोलॉजी का हमने ट्रुथ टेबल से हमने प्रूविंग देखा था, यहां पर अभी क्योंकि मैंने अभी आपको टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है, स्मॉल टी एंड स्मॉल सी, करेक्ट। अभी
क्योंकि मैंने उससे पहले पोर्शन कवर नहीं किया था। तो ड्वेल्स अगर इस तरह के स्टेटमेंट पैटर्न का अगर लिखना है तो रूल्स क्या बोलता है, जो कि आपने ऑलरेडी देखा कि ड्वेल्स में हम कंजंक्शन को डिसजंक्शन और डिसजंक्शन को कंजंक्शन वाइस वर्सा करते हैं। लेकिन यहां पर अभी एक और चीज ऐड हो जाती है, टी को सी से और सी को टी से एंड कैपिटल टी को कैपिटल एफ से और एफ कैपिटल एफ को कैपिटल ए से। तो इसी को रूल्स, इस रूल्स के मुताबिक अभी यहां पर क्या होगा इसका आंसर, ड्वेल्स ऑफ दिस विल बी एंड नथिंग विल चेंज अदर देन दिस सिंबल्स। सो यहां पर कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो जाएगा, टी है तो सी हो जाएगा, डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन हो जाएगा, सी है तो टी हो जाएगा, कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन हो जाएगा, निगेशन को कुछ भी टच नहीं करना है, ये इसका आंसर हो गया। अभी हम यहां पर देखते हैं, सो यहां पर निगेशन को कुछ नहीं करना है, पी का एज इट इज रहेगा, कंजंक्शन को डिसजंक्शन करना है, क्यू एज इट इज रहेगा, डिसजंक्शन को कंजंक्शन करना है, और सी को हमें टी स्मॉल टी टॉटोलॉजी कंट्रडिक्शन को टॉटोलॉजी, लास्ट कैपिटल टी है तो कैपिटल टी को फॉल्स करना है, डिसजंक्शन है तो हमें क्या करना है कंजंक्शन करना है और इसको भी कंजंक्शन करना है। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए हम यही टॉपिक रखते हैं ड्वेल्स तक। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम और थोड़े से अच्छे से टॉपिक लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।